हाई गाइज जिंदा हूँ मैं हाँ जिंदा हूँ स्टोरी देख देख के रोर पिट के इतनी कमजोर से हो चुकी हूँ मैं बट फाइनली आई एम फाइन अगर मैं वीडियोज पोस्ट करी इट मीन्स आई एम सेफ सिक्योर एंड हेल्दी वेल्दी एंड मेरे पास आस पास बहुत अच्छे लोग हैं ये वीडियोज़ का साइन है सबके लिए थम्स अप ठीक है मैं आप सबको बताऊंगी मेरा क्या क्या हुआ क्या क्या, क्या नहीं हुआ कुछ जीज़ें बताने कुछ नहीं बताने मुझे बट ये बोलूंगी कि मैं गिव अप कर चुकी थी एक तरीके से घर वाले वापस बुला रहे थे और मैं जो सरवाइव करी हूँ ना लिटरली भूखी सोई दिन 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 क्योंकि इतनी ब्रोक हो चुकी थी एक तरीके से घर वालों को मैंने बताया तक नहीं एक हफ्ता कि मैं हो क्या रहा है बट जब मम्मी की बात सुनी ना मम्मी जब मैं रो दी मम्मा कहती कुछ हुआ है और मैं रो दी थी क्योंकि मम्मी को सुना तो ना कोई चीज़ भी हो तो ना दुख नहीं रहता चाहे पापा को नहीं सुनाओ मम्मी को सुना तो ना ये दिल में बोझ नहीं लगता आप ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकते जो मम्मी से कर सकते हो ठीक है सो so, आज से आई प्रोमिस यू ऑल कि मैं रोज़ लॉग बनाऊँगी और यू नो वर्ड में इतने प्यारे प्यारे लोग हैं ना जो मतलब कि दे आर लाइक हमें आना है यूट्यूब पे आपके साथ हम बनाएंगे एंड राइट नो आई एम एट माई फ्रेंड्स प्लेस सो so, उन्होंने मुझे बोला यू कैन स्टे विद अस अंटिल यू कैन फाइंड ए स्पेस ठीक है बट मेरा मन इतना अच्छा लग रहा है यहाँ मेरे वाई नॉट मैं ही यहाँ पे स्टे कर लूँ इन फ्यूचर सो so, होता है ऐसा है कि मैं आपको जम्मू से आती हूँ ठीक है एंड एक्स्ट्रा इज एट हैपन होता है मेरे साथ आई डोंट वॉन्ट टू डिसक्लोज इट बट इट वॉज अ नाइट मेयर फॉर मी इट वॉज अ नाइट मेयर फॉर मी लाइक मैं मतलब कि बोल नहीं सकती बट जम्मू में जितनी चीज़ें होती मेरे साथ उसका वन पॉइंट मतलब कि जीरो पॉइंट वन परसेंट होगा इतना बुरा था मेरे साथ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी देन मैंने अपने दोस्तों को बुलाया मैं गई मैं मेरे को इस दिन वन मंथ की मैं जॉब कर रही हूँ और मैं क्या जॉब कर रही हूँ मैं बहुत जल्दी बताऊँगी डेली रूटीन कहाँ रहूँ क्या करूँ क्या खा रही हूँ क्या पी रही हूँ सब बताऊँगी टेंशन नहीं करो वापस नेहा हटवाल आ जाएगी वो वाली मैं मतलब कि पंद्रह दिन खरर से अपने वर्क प्लेस पर आ रही हूँ रोगा का सौ दो सौ लग रहा है मेरा खाने के पैसे नहीं है मतलब कि मेरे ऑफिस वाले दे आर सो काइंड एंड स्वीट वो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं मेरे मेरे कलीग्स मेरे लिए पे कर रहे हैं बिकॉज घर पे वैसे आपको पता नहीं होंगे उस टाइम पर मंथ हंड चल रहा था उस मोमेंट पे पापा को टाइम लेना था बंदे को बोला उसने भी कितना ही हेल्प करता वो बट मैं कहती हूँ मैंने जो चीज़ सर्वाइव किए ना मुझे लगता है कि इट वॉज़ एक्सपीरियंस फॉर मी बट वो जो डर होता ना वो मुझे और बैठ गया यहाँ आने के बाद ना फूक फूँक कदम रख रही हूँ और जब मैंने बड़े पापा को बताई ना वो पता क्या बोलते हैं घर वापस आ सबसे गालियाँ चलियाँ मुझे मुझे सब ने गालियाँ दी हैं लिटरली मैं रो दूंगी मेरे को सब ने गालियाँ दी हैं नॉन क्लोज फ्रेंड एक्सेप्ट माई मदर एंड फादर इवन बंदे ने भी डांटा मेरे को कि आप मतलब कि सैड मत हो ये मत, मत। बट मेरे पापा ने जब वॉइस मैसेज किया था ना मुझे कहते मुसीबतों से बंदा उठ के निकलता है एंड ऑल मतलब कि मेरे पापा मम्मा ने मेरे को कुछ नहीं बोला मम्मा कहती है वापस आ जा बट जितना मुझे लोगों ने हेट दिया ना यहाँ आने से देखो मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि मुझे वहाँ लोग अपनाते नहीं थे एंड यू नो व्हाट जो मैंने वैसे मैं रही हूँ रह रही हूँ ना मेरे तो को रोना आ जाएगा जितना मेरे को मेरे दोस्तों ने बीस साल में ध्यान रखा ना इन लोगों ने दो दिन में रखा है मेरा <laughs> दो दिन में रखा है आई कैन टेल यू मतलब कि तीनों मतलब तो कि इतना ध्यान रखते हैं मेरा मतलब तो कि मैं इनको प्यार से कुछ बोलती हूँ मुझे कुछ नहीं बोलते तो मतलब तो कि मुझे अच्छा लगता है बोलते वीडियोज़ बनाते हैं मेरा तो कोई नहीं बनाता था वहाँ पर भी मैं सबको पता है फिर मैं चंडीगढ़ आई तो मुझे लगा था यहाँ पर लोग अपनाएंगे मेरे को कुछ अलग नहीं फील कराएंगे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं बोलती हूँ मैं इतनी हरकतें करती हूँ बट ये लोग मतलब कि मुझे कुछ नहीं बोलते हैं लाइक बोलते हम बनाएंगे बनाएंगे मैं सच में आप सबको तो पता ही है मेरा क्या होता है जम्मू में तो यहाँ पे जो लड़के मिले मेरे को मेरे दोस्त वस्त बहुत अच्छे हैं कभी नहीं पूछते बिल तुम दोगी कभी मुझे गोल्डी का नहीं बोला कि इसने यहाँ पे लिटरली मतलब कि मेरे को यहाँ आगे पता लगा कि पापा मुझे कहते हैं लाइफ बहुत बढ़िया है बहुत बुरी है बाहर के लोग हाँ बुरे हैं बट मुझे इनको मिलने लगता नहीं भाई मतलब कि मेरे को पहली बार अच्छी लड़कियाँ मिली हैं एंड मैं सच में चाहती हूँ कि मैं रहूँ मेरा मन नहीं कर यहीं पर रुक जाऊँगी दादा मैं इनके साथ ही मतलब लिटरली दे आर सिटिंग ओवर हेयर आई निशान दे बिकॉज दे नो आई एम डूइंग माई वर्क एंड मेरे लिए इतना सपोर्टिव है ना गाइज मैं लिटर में रोती लड़कों को लेके बट ना मुझे पहली बार किसी की मैं इतनी केयर करी सबको पता है कि आई एम सो कंसर्न अबाउट माई स्टफ़ एंड ऑल इन जब मैंने दिनों से भेजना फर्स्ट टाइम मैंने कहा नहीं यार ये मेरे टाइप की है इतनी बकचोदी करती हूँ मैं और जिन जिन जे लोगों ने मुझे ब्रोकरस के नंबर भेजे थे मैंने सबको फ़ोन किया था देखो नंबर ज़रूर किया कुछ बेचारे अजीब ही बातें कर रहे थे मेरे साथ तुझे बड़े सोने लगते हो तुझे सड़क रोए लो ऐसी बातें कर रहे थे कुछ ने सी यू ग्रुप दिया भाई सी यू के ग्रुप में फ्लैट की बातें नहीं हो रही हैं डीए ले लो मेडिकल सर्टिफिकेट ले लो प्रॉक्सी ले लो मैं बोलूँ भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे और काश किसने मुझे बताया होता कि खरर चंडीगढ़ मोहाली अलग अलग है तीन चीजें सॉरी मतलब चार चीजें आ गई जम्मू वाली बीच में घुस गई मैं और कहीं मतलब कि मतलब कि लोग खरर में रह के चंडीगढ़ की बातें कर रहे हैं ऐसे लोग ना जमराज उठा ले पर करके <laughs> उठा ले और जब मैं ऑफिस ज्वाइन करी ना जब मैं ऑफिस ज्वाइन करी थी तो मैं होगा भाई मैं सोचा ना व्लॉगिंग करूँगी जिम जाऊँगी जिम आउटफिट पर जिम थोड़ी बैठ जाइए रूम में आती हूँ बेड पर खड़ा करके सो जाती हूँ मेरी जब फ्रेंड एक ठंडी रहती है दूसरी रात गर्मी लग रही है तीसरी खाना लगाओ आपके लिए लिटरली कह रही हूँ मेरे ये हो रहा है सो so, मैं ये ब्लॉग बनकर यही तरीका कि आई एम सेफ आई एम ओके बिल्कुल फाइनिश इज so, सो आज मैं लिटरली थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं शैम्पू खरीद के आई हूँ पैसे आ गए मेरे पास बंदे के पैसे से लेके आई हूँ समझ लो तुम लोग शैम्पू खरीद रही हूँ तो ये गोल्ड गोल्डिगर बनूंगी मैं वो दिन कभी चुरा सकती हूँ मैं मन तो मुझे करते नहीं लोग तो मैंने बड़े पापा आने वाले कुछ दिनों में तो मैंने लंच बॉक्स मंगा इन्होंने लंच भी दे दिया मुझे मतलब कि सप्लाई अच्छा सामान कर रहे हैं मुझे लेट्स टॉक अबाउट तुम्हारे तो पास लड़का वड़का होगा मेरे लिए फ्यूचर के लिए हंस रहे <laughs> सुबह चुड़ैली हंसती और अच्छी लगती है ना रात को <laughs> ये थोड़ी ना एक्चुअली दे आर माई बेचेज बट आई डोंट कॉल देम देख को दिया अभी बार ये डिस्कशन चल रही थी अभी ना हम सामान लेने गए थे बाहर कुछ क्योंकि इनको बड़ा रखना था तो मैं रख नहीं रही थी भैया गाना गा रहे थे मेरे लिए वो क्या बोलते हैं सब्जी फ्रूट वाला कहता इम्पोर्टर हो तुम मैं रिपोर्टर हूँ मैं कहते ये डिग्री होती है और हम लोग तीन दुकानें घूम के आए हैं फिर हमने बार्गेन किया है दे लाइक भैया मैंने कहा भैया एक एप्पल नहीं है एक एप्पल कहाँ होता देते हैं कहता होता है यार अगर समझदार बंदा पूछे मैं कहो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीज़ें सिखाइ हैं मेरे को मैंने सिखाई होंगी इनको बट ये इन सबके दिमाग घुटने में मेरी तरह यहीं पर हैं <laughs> यही बड़े यहीं पे बने हैं बट ट्राई यहीं पे रहे मतलब मेरे साथ मैच नहीं कर पाएंगे बकचोदी चौधरी मेरी है बाकी बहुत सारा कंटेंट बनाए अब तुम लोग बताओ क्या कंटेंट चाहिए मेरा मन है डू एंड डोंट बनाने का कुछ प्रिकॉशंस देने का जॉब मैं क्या करती हूँ बता दूंगी मेकअप वीडियो इनका मन था मेकअप वीडियो मेरा मेकअप करना मैं करो मेरा ब्राइडल मेकअप करो लहंगा चुप के लाओ बट literally आई really वॉन्ट टू मेक content मेरे मेरे को मन था लड़के डे आउट day गर्ल इज बेस्ट इज मैं मेरे बाल करे कोई ये जब से मेरा वो आया ना कर्लर सबके बालों में फेरिया है अभी कोड़ों के बाल में ना चला जाए मैं सबके बालों में फेरिया तुमने इतनी बातें सुन तो ली हैं अब तुम्हें मिलाऊंगी मैं किस इंट्रोडक्शन करा के प्रॉपर प्रॉपर ठीक है पॉडकास्ट चलेगा पहले इन सब की तुम्हें बताऊँगी कमी और वो देखो मुझे शर्म नहीं आती बट ये ना पता नहीं किस प्रजाति की एक तो सोती रहती है और उसको बस खाने खुशबू आ गई दूसरी 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 मेज से एनर्जिलाइज आज तो मैं करूँगी ये चीज मैं तो करूँगी यस यही ये करना है तीसरी तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रावर्ड बना दीजिए एक इतना एक्स्ट्रावर्ड किया इसके लिए मैं रैंडम बंदे का नंबर लेके आई रैंडम नंबर लड़के का कांट यू इमेजिन इतना रोका कि मेरा हाथ टूट गया वहां पे मॉल में तमाशा हो गया मैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं जम्मू होती ना यहीं पे गोते गिरा दी तेरे में ऐसी पकड़ा काश मेरे एक्स ने इतना पकड़ा होता मुझे तो मैं उसके साथ होती आज बट सी लाइक नॉट देन इट्स बिन थ्री डेज नाउ मैं यहां पर इनके बासू आई एम वेरी हैप्पी एंड सेफ वुड टच करा पप्पी होने कर पहले पप्पी ले लें ले। ओके ठीक है लास्ट बात बताऊँ इनका फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं पता है ना मुझे कितनी फैंटेसी थी लड़को गिफ्ट करने की तो मैंने आइडियाज दिए इनका फ्रेंड कहता है ये तुम्हारा तो दिमाग तो हो नहीं सकता <laughs> लिटरली ये चीज़ कही है कुछ और अब मैं गई थी भाई हमने बहुत बिल फाड़ा उसका सॉरी भाई मेरे बर्थडे तू <laughs> तो नहीं हारा हमने तू नहीं बुला रहे <laughs> हमने बड़ा बिल फाड़ा उसका कसन दे बड़ी बस सो स्वीट एंड इसमें बड़ा ध्यान रखा हमारा मैं लिटरली कह रही हूँ हम चार लड़के बैठे थी उसके साथ लोग एक लड़के ने करा क्या चार चार लड़कियाँ सोनी से सोनी लड़कियाँ टोटे से एक तो इन्फ्लुएंसर एक क्यूटी एक प्यूटी और एक नहीं चाहिए नंबर मुझे उसका यार लिटरली कह रही हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला और आई एम थिंकिंग टू मेक दिस वॉल ठीक है ये वॉल बनाऊंगी मैं बहुत जल्दी एंड अगर आप चाहते हो ऐसे व्लॉग्स बनाते रहो मजेदार अब मैं ठीक हूँ और हम चक दे फटे नब के लिए आपको रोज़ क्या पता है शाम को क्या करना है मुझे रोज करना? तो है। है। का करना वीडियोस सुना देखा ट्रेनिंग दी है लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग इनको आपको रोज में क्या लेके देती हूँ जी जी देखा बीबी लेके देती हूँ लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है यार काम तभी करेंगे ना जम्मू वाली इस बार बाकी बने रही है हमारे साथ आई वॉन्ट दिस ब्लॉग अगर ये ब्लॉग पाँच सौ यूज टब जाता है तो नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूंगी इसका मतलब ये बीख दो तो यूज़ की मुझे चले गए यूज पैसे नहीं आ रहे हैं यूट्यूब के